हाय एवरीवन, यूईसी जनरल सिस्टम सोसाइटी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज का कैंपस टूर करवाने वाले हैं। उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना 1966 में हुई थी। शुरुआत में इस कॉलेज में केवल 3 ब्रांचेस थी, जो कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी। फिर 1985-86 में ईसी और केमिकल इंजीनियरिंग को भी जोड़ दिया गया। कंप्यूटर के क्षेत्र में अत्यधिक विकास को देखते हुए कॉलेज में 2001 और 2002 में एक नई ब्रांच लाई गई, जो कि थी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। 1998 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कॉलेज को ऑटोनोमस घोषित कर दिया गया। यहाँ पे हम हमारे कॉलेज के जो सामने खड़े हुए हैं, अब हम आपको सबसे पहले हमारे प्लेग्राउंड की तरफ लेके चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे कॉलेज में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। हमारा कॉलेज बहुत ज़्यादा ग्रीनरी से सराउंडेड है। और ये हमारा जो, जैसे ही हम कॉलेज के अंदर जाते हैं तो ये हमारा पाथ है। एंड हमारा जो कॉलेज का प्लेग्राउंड है, जो ग्राउंड है, वो काफ़ी वास्ट एरिया में स्प्रेड हुआ है। और यहाँ पे स्पेशली फुटबॉल और क्रिकेट खेले जाते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे गेम्स खेल सकते हैं हम लोग। हर साल नोडल्स के ट्रायल्स भी होते हैं इस प्लेग्राउंड में। इसके अलावा वॉलीबॉल का एक अलग से कोर्ट बना है हमारे कॉलेज में पार्किंग के साइड में। तो सबसे पहले हम हमारा प्लेग्राउंड देख लेते हैं। ये है हमारा प्लेग्राउंड, और यहाँ पे जॉगिंग वगैरह के लिए भी एक आइडियल जगह है। ये रहा हमारा प्लेग्राउंड। जो कॉलेज है, वहाँ पे पार्किंग के लिए भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल है, और जो गार्ड्स और जो सिक्योरिटी है वो भी काफ़ी स्ट्रिक्ट है। और ये जो टू व्हीलर का, जैसा आप देख सकते हैं, टू व्हीलर की पार्किंग एरिया इधर है। इसके जस्ट ऑपोजिट साइड हमारी फोर व्हीलर की पार्किंग है, और वो उधर दूर की तरफ जहाँ पे नेट है, वहाँ पे हमारा वॉलीबॉल का प्लेग्राउंड है। ये है विश्वेश्वरिया जी का स्टेचू, जिनके जन्मदिवस पर हम इंजीनियर्स डे मनाते हैं, और इनके ही नाम पे हमारे यहाँ ये ऑडिटोरियम रखा गया है। ये मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ, एक मिनट। इंडक्शन के टाइम पे ये प्रोग्राम चल रहा है, और साथ में मैं इसके पास ही लाइब्रेरी है, वो भी दिखा देता हूँ आपको। अभी मैं लाइब्रेरी के अंदर तो नहीं जा पाऊँगा, पर और ये बैग रखने की बाहर व्यवस्था है लाइब्रेरी के बाहर। कॉलेज के बाहर का पार्क है। जैसे ही हम पार्किंग एरिया के सामने आते हैं, और इसमें साथ ही हमको जिम और एक्सरसाइजिंग इक्विपमेंट्स की भी एक अलग से जगह बना के रखी है, तो वो देख लेते हैं। चलिए, तो ये है हमारा जिम एरिया, जहाँ पे एवरी मॉर्निंग फैकल्टीज़, लोकलाइट पीपल, हॉस्टल के स्टूडेंट्स, सब लोग यहाँ पे आकर मॉर्निंग एक्सरसाइज, जॉगिंग या फिर योगा करते हैं। ये है कॉलेज का गार्डन और पॉन्ड एरिया। यहाँ पे अभी पानी नहीं, जनरली होता है। और सामने है MiG-23 फाइटर जेट, जो यहीं के सीनियर की मदद से आ पाया था, और इसका जो इंजन है वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट की लैब में है। ये सामने जो आपको दिख रही है, ये स्टूडेंट्स के लिए एंट्रेंस है कॉलेज में। चलिए अब मैं आपको डिपार्टमेंट्स दिखा देता हूँ अलग अलग। जैसे ही कॉलेज के एंट्रेंस से अंदर आते हैं, ये है कॉलेज का मैकेनिकल ग्राउंड, और सामने है फर्स्ट ईयर की क्लासेस। ये लेफ्ट साइड में यहाँ से फिजिक्स डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट और मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है। सामने मैकेनिकल डिपार्टमेंट है। मैं थोड़ी देर में आपको उसकी लैब्स दिखाता हूँ। ये है सारी मैकेनिकल डिपार्टमेंट की लैब्स। ये पूरा मैकेनिकल डिपार्टमेंट ही है। हम आगे थोड़ा सा आगे जाएंगे, और लेफ्ट साइड में सिविल डिपार्टमेंट है। ये है सिविल डिपार्टमेंट। ये वर्कशॉप एरिया है कॉलेज का, जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंडर आता है। और इसके साइड में ये है केमिकल डिपार्टमेंट, ये पूरी केमिकल डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है। और ये कॉरिडोर के अपोजिट साइड में है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, ये पूरी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है। और ये इसके सामने है गार्डन, और उस साइड है
ईसी डिपार्टमेंट। ये पूरी ईसी डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है और सुबह का टाइम है इसलिए अभी लैब्स वगैरह खुली नहीं है। ये ऊपर से है व्यू उसका। ये सेकेंड ईयर की क्लास है इसी डिपार्टमेंट की। मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको। ये है TPOSL और सामने है फर्स्ट ईयर की बिल्डिंग। मैं कोशिश करूँगा कि आपको क्लासेस दिखा पाऊँ फर्स्ट ईयर की। और ये है TPOSL का ऑफिस। ये है पूरी फर्स्ट ईयर की क्लास। स्मार्ट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड सब देखने को मिल जाएगा इसमें आपको। स्टूडेंट्स को अपने कॉलेज कैंटीन को लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट होती है, तो चलिए हम आपको कॉलेज कैंटीन भी दिखा देते हैं। ये है हमारा कॉलेज कैंटीन जो कि लॉकडाउन के टाइम पे बंद हो गया था और अभी रिसेंटली में खुला है। कैंटीन की लोकेशन जो है वो कॉलेज से थोड़ा हटकर है। कॉलेज एक तरफ है और रोड के ऑपोजिट साइड हमारा कैंटीन है। कैंटीन में आपको बहुत सारे स्नैक्स अवेलेबल है और बहुत सारे वैरायटी के अदर स्नैक्स जो रेडीमेड स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह अवेलेबल हैं। तो ये रहा हमारा कैंटीन।